अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फिजिक्स सेकंड फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसका टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर या इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, इसको यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की डिफाइन देखें तो क्या डिफाइन होगी, यानी वो दो वेक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें कि कोई से दो वेक्टर हों उनका प्रोडक्ट लें और जो हमारे पास क्वांटिटी आए वो स्केलर क्वांटिटी हो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे देखें ए डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये देखिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी हम कहते हैं कि ए और बी दो वेक्टर थे, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया या स्केलर प्रोडक्ट लिया और जो क्वांटिटी आ रही है वो स्केलर आ रही है, वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर है, इसे हम स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म, ये किस तरह लिखे हमने इसे हम चेक करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, यानी एक वेक्टर था ए दूसरा वेक्टर था बी, हम कहते हैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, इन दोनों के दरमियान ये कॉस ऑफ थीटा एंगल क्या है, थीटा होगा दोनों के दरमियान, ए डॉट बी करेंगे ए डॉट बी ए बी कॉस ऑफ थीटा की बना लेंगे। तो इसके आप आगे मजीद जो है फिजिकल मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको फर्दर इसकी समझ आ जाएगी। तो पहले देखिए इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल चेक करें तो वर्क डन की एग्जांपल देखिए, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि ये किससे मिलकर बना होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड आप कह लेंगे जो फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों वेक्टर थे, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट लिया क्वांटिटी हमारे पास स्केलर आए तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये वर्क डन इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपके यहाँ दूसरी एग्जाम्पल है, फिगर देखिए साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कहते हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्ट का है जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे इतना फोर्स लगा रहे हैं जिसे आगे की तरफ मूव करवाने के लिए, फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरफ और ये मूव जब डिस्प्लेसमेंट की तरफ कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, आगे मूव कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो ये एंटार्ट इज स्केलर। दूसरी एग्जाम्पल आप इसकी चेक कर सकते हैं, पावर की चेक कर लें, पी इक्वल टू एफ डॉट बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने अभी पीछे पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ये भी वेक्टर था ये भी वेक्टर था दोनों का प्रोडक्ट लिया तो ये क्या हो गया स्केलर। मैग्नेटिक फ्लक्स है बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो बी डॉट ए, इसकी जो है एग्जांपल होगी। ठीक है, अब हम इसकी जो फिजिकल मीनिंग है उसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग को। फिजिकल मीनिंग के आप हम चेक करें तो क्या होगा कि जैसे अभी आपको बताया कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा हम लिखते हैं, ये किस तरह लिखते हैं, देखिए जब हम ए डॉट बी करेंगे यानी एक वेक्टर है ये ए वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ठीक है, तो देखिए इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है एंगल थीटा होगा, जब बी का प्रोजेक्शन ए पे बनेगा तो ए पे जो इसका बी का प्रोजेक्शन बन रहा है उसे हम क्या लिखते हैं, बी कॉस ऑफ थीटा लिखते हैं। ये बी कॉस ऑफ थीटा क्या चीज है, इस बी वेक्टर का ए पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है। अब देखिए हम इसे ए डॉट बी जब लिखते हैं यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू आप कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए लॉन्ग बी यानी ए बी लॉन्ग ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर लॉन्ग ए वेक्टर, या आप इसे लिखे ए डॉट बी इक्वल टू ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि b का जो प्रोजेक्शन बन रहा है a वेक्टर पे उसे हम लिखेंगे, ठीक है, यानी a डॉट b इक्वल टू
ए वेक्टर प्रोजेक्शन और ए ऑन बी क्या माना था, बी ऑन ए सॉरी क्या माना था, बी कॉस ऑफ थीटा, ये भी हम लिखेंगे ये क्या है, बी कॉस ऑफ थीटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी कॉस ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये होगा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसी तरह जब हम करते हैं बी डॉट ई, सेकंड केस है इसका, बी डॉट ई इसी क्या लिखेंगे, बी वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ ए नाम बी करते हैं, या प्रोजेक्शन ऑफ पहले बी ऑन ए था, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होगा। इसी तरह अगर इसे यहां पे इसकी जो सेकंड डायग्राम हो चेक करने का डायग्राम होगी, पहले हमने ये क्या रखा था वेक्टर ए, अब वेक्टर ए ये होगा और बी वेक्टर इधर होगा। अब देखें इस बी पे ए का प्रोजेक्शन बनेगा, उसे हम क्या लिखेंगे, पहले हमने ए डॉट बी किया था, अब हम बी डॉट ए करने जा रहे हैं, ठीक है, यानी इस ए को बी पे जो ए का बी पे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसे क्या लिखेंगे, ए कॉस ऑफ थीटा, सेम चीज जो ऊपर किया था, दोनों में एंगल क्या माना थीटा, अब ए कॉस ऑफ थीटा ए का जो बी पे प्रोजेक्शन बनेगा, यहां से क्या लिखेंगे, बी डॉट ए इक्वल टू बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या बनेगा, ये ए का प्रोजेक्शन जो बी पे मान रहा है वो क्या होगा, ए कॉस ऑफ थीटा, इसी क्या लिखेंगे, बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये थी इसकी फिजिकल मीनिंग थी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।